पूछना चाहती हूँ, कई आम महिला किसी गांव में है, कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो इतना हमने कोविड के दौर में देखा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से मेडिसिन भी पहुंच सकता है, डायग्नोसिस भी हो सकता है, तो इंटरोगेशन क्यों नहीं हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंस से? हम ज़रूर इस मुद्दे को टेकअप करेंगे। हिंदुस्तान में एक रेवोल्यूशनरी स्कीम आना चाहिए, व्हेन पुलिस और एनी डायरेक्टरेट और एनी एजेंसी वॉन्ट्स टू इंटरोगेट वुमेन, देर शुड बी ए फैसिलिटी टू बी डन बाई ए वीडियो कॉन्फ्रेंस। इसके लिए हम आगे भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह भी जाएंगे। इट इज़ नॉट अबाउट मी, इट इज़ फॉर एवरी कॉमन वुमेन इन दिस कंट्री। आई वॉन्ट टू टेक अप दिस इश्यू एंड वी विल फर्दर टेक अप द इश्यू। नाउ व्हेन इट कम्स टू द ओरिजिनल ईडी समन, वी विल कम्प्लीटली साइड विद देम, सपोर्ट विद देम, बिकॉज वी आर अंडरस्टैंड द ऑब्लिगेशंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द एजेंसीज। वी विल 100% सपोर्ट देम। टुडे द क्वेश्चन इज, व्हेन वी लुक एट तेलंगाना डेटा फ्रॉम लास्ट ऑगस्ट, इनफैक्ट फ्रॉम लास्ट जून, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कॉन्स्टेंटली बीन सेंडिंग इट्स एजेंसीज टू तेलंगाना। नाउ क्वेश्चन इज वाई, बिकॉज तेलंगाना असेंबली पोल्स आर देयर इन दिस नवंबर डिसंबर, तो द मोडस ऑपरेंडी ऑफ बीजेपी हैज बीन कि जहां भी इलेक्शन है वहां मोदी से पहले ईडी पहुंच जाता है। तो हमारे तेलंगाना में भी यही हुआ है, तकरीबन सारे बिजनेस हाउसेस पे, एक 500 प्लस बिजनेस हाउसेस पे आईटी रेड होता है, सीबीआई के रेड 100 होता है तेलंगाना के राज्य में, ईडी तो कम से कम 200 जगहों पे उन्होंने छापा मारा है, और एनआईए एजेंसी ने 500 टू 600 मिनिमम लोगों को बुला के उनको डरा के धमका के अलग अलग तरीके का काम वहाँ पे चल रहा है। मैं ये लोगों के सामने, जनता के सामने आज रखना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरे अकेले का मुद्दा नहीं है, हमारे खुद के पार्टी में मिनिमम 15-16 लोगों को, MLAs को, MPs को, मिनिस्टर्स को टारगेट करके अलग अलग केसेस में बुलाने का काम कर रहे हैं। तो मेरा मोदी जी से, बीजेपी से एक ही विनंती है कि आप जनता के पास जाइए, आपने किस तरीके का डेवलपमेंट किया है तेलंगाना के लिए, आपने क्या किया है देश के लिए, आपने क्या किया है वो बताइए, उनका दिल जीतिए, बाद में इलेक्शन जीतिए। लेकिन हम इलेक्शन हारेंगे या जीतेंगे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यूज़ करेंगे, बैकडोर से गवर्नमेंट में आएंगे, इस तरीके का तो हमने देख लिया है, 9 राज्यों में चला है और तेलंगाना में वो चल नहीं पाया, उन्होंने कोशिश किया है लेकिन हमने चलने नहीं दिया। तो इसीलिए उनका अभी एफर्ट ये है कि किसी भी तरीके से ईडी डाल दो, धमका दो, डरा दो, लेकिन हम भी मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से और पूरे देश की जनता से बता दें कि हम डरने वालों से नहीं हैं, हम एक आंदोलन करके स्टेट को हासिल करके आज स्टेट में सरकार चला रहे हैं, आगे चल के भी हम जनता के लिए ही काम करेंगे, और हम बराबर मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का जो फेल्यूर्स है उसको एक्सपोज करते ही रहेंगे।